हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारा इस चैनल नॉलेज सेंटर पे। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है ऑलरेडी। चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स जिसका नाम है। तो फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग अब आखिरी पार्ट लेके आए हैं अपना, जो कि पार्ट 7 है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है ये भी समझिए, क्योंकि ये जो पार्ट 7 है इसके अंदर हम खूब ढेर सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 33, फिर आर्टिकल 34 भी पढ़ेंगे इसी में, और फिर आर्टिकल 35 भी पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो चारों आर्टिकल हैं, ये कुछ आखिरी के आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, और ये आपको पता होने चाहिए, इसलिए इनको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ एक वीडियो और आएगी, पर वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के बेसिस पर नहीं, केस स्टडी के बेसिस पर होगी, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिट्स, अभी रिट्स क्या है ये इस वीडियो में आपको समझ में आएगा जब आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए, और मेरा जो लक्ष्मीकांत है इस किताब के लिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या था आर्टिकल 32, 33, 34 और 35, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग जो क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट का, क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या खामियां रह गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 32 से। तो अब ये आर्टिकल 32 है क्या, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। तो अब ये राइट टू रेमेडीज़ क्या है, राइट टू रेमेडीज़ का मतलब ये है कि जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, जब आपका फंडामेंटल राइट जो है वो किसी तरीके से टूटता है, ऐसा लगता है आपको कि आपका फंडामेंटल राइट सेफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, और इन सारे कोर्ट्स में जा करके अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ आर्टिकल 32 करता है। क्या करता है कि इसने दे रखे हैं राइट्स, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल 32 ने, कि वो अपना फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्ट कर सकें। कैसे, कोर्ट में जाकर के कोर्ट को मूव करें और वहां पर जाकर के गुहार लगाएं, ताकि फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राइट टू गेट फंडामेंटल राइट इज इट्सेल्फ अ फंडामेंटल राइट, मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट ही है। मतलब कि फंडामेंटल राइट अलग से तो है ही है आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के स्टेट की डेफिनेशन जो है, और आर्टिकल 30 तक, ये सब फंडामेंटल राइट तो है ही है। लेकिन आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहकर संबोधित किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में आर्टिकल 32 ही में। तो आर्टिकल 32 में कुछ चार प्रोविज़न हैं जिसके तहत आर्टिकल 32 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से प्रोविज़न हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रोविज़न, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड, मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील कर सकते हो। इसी के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स और ऑर्डर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है जिस भी पार्टी ने आपके फंडामेंटल राइट का हनन किया है कि वो काम करे और फंडामेंटल राइट का हनन ना करे, तो उस टाइप के ऑर्डर दे सकता है और रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स एक लिखित रूप में जो ऑर्डर होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसी के बाद तीसरा प्रोविज़न ये है कि पार्लियामेंट जो है एम्पावर कर सकता है किसी और कोर्ट को भी कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सके, सारे के सारे टाइप के। मतलब कि अभी फ़िलहाल क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो और आप हाई कोर्ट को मूव कर सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और कैटेगरी ऑफ कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ ही साथ एक और कैटेगरी ऑफ कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। तो कुल मिलाकर के अलग अलग टाइप के कैटेगरी ऑफ कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है, और अभी फिलहाल किसके पास राइट है इशू करने, किसके पास राइट है कि वो रिट इशू कर सके, वो ऑर्डर दे सके, तो वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अभी फिलहाल आर्टिकल 32 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स और भी जितने भी छोटे लेवल पे कोर्ट्स हैं, बाकी जितने भी कोर्ट हैं, उन सभी को ये पावर दे सके कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सकें। हालांकि अभी मिली नहीं है। ठीक है, फिर है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर फ्यू और फॉर ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट। अब जब हम लोग इमरजेंसी का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि तीन टाइप की इमरजेंसी होती हैं, आपातकालीन सिचुएशन,
जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कंट्री में चीज़ें सही नहीं चलती, उस कंडीशन की इमरजेंसी बोलते हैं। और ये इमरजेंसी तीन टाइप की होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया को खतरा होता है। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या हो सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है थोड़े टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर सकते हैं, और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आप मूव नहीं कर सकते सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गया इसके लिए, चार प्रोविजन थे आर्टिकल 32 में। और अगली चीज़ और थोड़ा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगा आपके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और वाइड पावर है। ठीक है, ओरिजिनल और वाइड पावर से क्या मतलब है? ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि जो है ये सिर्फ अपील के बेसिस पर ही नहीं, अपने आप भी किसी के फंडामेंटल राइट को बचा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी है, से ए नाम की कोई कम्युनिटी है, इसके ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आर्टिकल 23 के अंदर या आर्टिकल 24 के अंदर इसके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ये जा करके अपील नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के बारे में पता है, तो वो इस कम्युनिटी की जो दुख है, इस कम्युनिटी का जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन का जिम्मा है, ये खुद ले सकती है और आ करके जो है इनके केस को अपने आप ही खुद ही दाखिल कर सकती है, खुद ही इस पर फैसला भी सुना सकती है, रिट इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है। तो जब अपील ना करें और अपने आप ही कोर्ट काम करने लग जाए बिना अपील के किसी केस में किसी के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, तो उस टाइप के ज्यूरिस्डिक्शन को, उस टाइप की पावर को ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन या फिर ओरिजिनल पावर बोलते हैं। फिर वाइड पावर कैसे है कि ये रिट्स इशू कर सकते हैं, ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ये डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट जो भी इसके लिए बन पड़े, ताकि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन तो है, मतलब कि सिर्फ अपील के बेसिस पे नहीं अपने आप भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर ये कोई एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही के पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पावर ऑफ रिट, द पावर ऑफ रिट, ठीक है, और द पावर ऑफ ऑर्डर, द पावर ऑफ डायरेक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास है लेकिन सिर्फ नहीं है, हाई कोर्ट के पास ही मौजूद है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं हुआ ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर सिर्फ होता तब ये एक्सक्लूसिव होता। ठीक है, अब इसी के साथ आगे चलते हैं आर्टिकल 33 में, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 को जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसमें हमको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो रिट्स को इशू करते हैं। ठीक है, और पांच टाइप के रिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और कुओ वारंटो। और इन पांचों के बारे में ही हम लोग अगले केस स्टडी में लेके आएंगे, और उसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन पांचों के रिट्स के वीडियो को देखना ना भूलिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब वो वीडियो बन जाएगी तब मैं लिंक में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 32 को लेकर के। आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोहिबिट करने की बात करता है, या फिर रेस्ट्रिक्ट करने की बात करता है, उनके ऊपर बाधाएं लगाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मिलिट्री फोर्सेस के हैं, आर्म्ड फोर्सेस के हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हैं, पुलिस फोर्स के हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की हैं। तो इन सारे फोर्सेस को जो है आप फंडामेंटल राइट्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आपने इनको फंडामेंटल राइट दे दिया तो हमारे डिफेंस पे, हमारे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे खतरा हो सकता है। इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को, जितने भी फोर्सेस हैं हमारे जो डिफेंस में काम कर रहे हैं, उन सभी से फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए हैं या उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उनके लिए। क्यों? कौन करता है ये चीज़? तो पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट जो है टाइम टाइम पे ऐसे लॉ लाया करता है जिसके थ्रू इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर छीन लिया गया है, ताकि ये लोग सिर्फ देश हित में काम करें, ना कि किसी और चीज़ में जा करके। ठीक है, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करने के पीछे लोगों के, जो फंड, जो आर्म्ड फोर्सेज में हैं? तो ऑब्जेक्टिव ये है, मेन पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ताकि वो अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके, अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभा सके। दूसरा मकसद ये है ताकि वो डिसिप्लिन उनके अंदर मेंटेन किया जा सके। अगर फंडामेंटल राइट्स दे देंगे तो हो सकता है कि उनकी डिसिप्लिन जो है वो नीचे आ जाए, जो आर्म्ड फोर्सेज में लोग हैं। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद ये रखनी है कि आर्टिकल 33 के अंडर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, आर्म्ड फोर्सेज के लिए, पुलिस फोर्सेज के लिए, नेवी के लिए,
मिलिट्री फोर्सेस के लिए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसके तहत ये आर्टिकल 33 के अंदर लॉ बना सके, ठीक है। तो आपको चीज़ याद रखनी है स्टेट लेजिस्लेचर वाली कि ये लॉ नहीं बना सकता, डजेंट हैव दिस पावर, ठीक। फिर इसी के साथ चलते हैं आगे आर्टिकल 33 में ही। तो आर्टिकल 33 ये भी बोलता है कि जो भी लॉज बनाता है, जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाती है अंडर आर्टिकल 33, उसको इस बात पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट पे कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। इसके जो लॉज बनाए गए हैं इसके, उनमें से कुछ लॉज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नेवी एक्ट बनाया गया था, एयरफोर्स एक्ट बनाया गया था, पुलिस फोर्सेज एक्ट बनाया गया था। इसी के साथ साथ ये जो लॉज हैं ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस और इस टाइप के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हमारे लॉज हैं, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेज एक्ट एटसेट्रा, और भी बहुत ढेर सारे थे, ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किए बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आर्म्ड फोर्सेज जो हैं इनके अंदर जो मतलब जो स्टाफ होता है आर्म्ड फोर्सेज का, जैसे कि जो रसोईया हो गया, जो बारबर हो गया, जो कारपेंटर हो गया, ये सब जितने भी स्टाफ होते हैं इनके पास भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये भी आर्म्ड फोर्सेज में ही काउंट किए जाते हैं बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रसोईया, कारपेंटर, जो छुटपुटिया लोग हैं जो लड़ते नहीं हैं, विच आर नॉन कॉम्बेटेंट्स, जो लड़ते नहीं हैं, उनको भी आर्म्ड फोर्सेज की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है और उनके ऊपर भी आर्टिकल 33 लागू होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको ये पता याद रखनी है कि जो पार्लियामेंट्री लॉ होता है, कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ जो कि आर्टिकल 33 के अंडर लाया गया है, वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट मार्शल को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन और हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से अलग कर सकता है, उनको निकाल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो कोर्ट मार्शल क्या होते हैं, कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, ऐसे कोर्ट जो मिलिट्री चलाती है, ठीक है, और उन्हीं के नियम और कानून वहाँ फॉलो होते हैं कोर्ट मार्शल में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोर्ट मार्शल को जो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुक्त कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट की अब कोई भी बात फॉलो करने की जरूरत नहीं है कोर्ट मार्शल को, एक ऐसा लॉ पास कर सकती है पार्लियामेंट जिसके तहत ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लॉ कोर्ट मार्शल फॉलो नहीं करेगा, ऐसा लॉ ला सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33, ठीक है। ये सब किया जा रहा है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके हमारे आर्म्ड फोर्सेज में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि कोर्ट मार्शल अगर अपनी तरीके से काम करेंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के नीचे काम करेंगे, हाई कोर्ट के निर्देशों के नीचे काम करेंगे ताकि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सके, तब तो काम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का और अंडर आर्टिकल 33 उनके फंडामेंटल राइट्स तो रेस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने लगे कोर्ट मार्शल, तब तो फिर मिलिट्री की जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो ही नहीं पाएगी, वो रेस्ट्रिक्ट हो ही नहीं पाएगी। इसलिए कोर्ट मार्शल को जो है पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से, हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से अलग किया जा सकता है। अब इसी के साथ आर्टिकल 34 पे आ जाइए। तो आर्टिकल 33 हमने डिस्कस कर ही लिया है, आर्टिकल 34 में क्या है, आर्टिकल 34 में बेसिकली मार्शल लॉ की बात की गई है। अब ये मार्शल लॉ क्या है तो इसको पहले समझते हैं, मार्शल लॉ है क्या, उसके बाद आर्टिकल 34 पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो इसको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है मार्शल लॉ के टर्म को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो मार्शल लॉ है बेसिकली इसको ये माना जाता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, जिसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कौन रन करता है, मिलिट्री अथॉरिटीज रन करती हैं, यानी कि जो मिलिट्री है वो शासन को रन करता है, ना कि ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर का कंट्रोल खत्म हो जाता है और मिलिट्री अथॉरिटीज जो हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ऑन करती हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है, अपने रूल्स के हिसाब से, अपने रेगुलेशंस के हिसाब से, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी लॉ फॉलो नहीं करते। तो वहीं यहाँ पर कोर्ट मार्शल आ जाते हैं, तो कोर्ट मार्शल कोई भी सजा जो देते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ को फॉलो करते हुए नहीं देते। तो मार्शल लॉ में ये होता है कि कुल मिलाकर के आपका जो नॉर्मल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और मिलिट्री रूल आ जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिलिट्री रूल। अब ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कब मार्शल लॉ का डिक्लेयर करेगा, यानी कि मार्शल लॉ कब डिक्लेयर करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये कभी बताया नहीं गया है एग्जीक्यूटिव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब इसका कोई विशेष चीज़ नहीं है कि यही कंडीशन होगी तभी मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लगा सकते हैं एग्जीक्यूटिव जब वो चाहें और जब उनको लगता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये किसी भी एरिया में डिक्लेयर किया सकता है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया, ये शब्द याद रखिएगा, एनी शब्द याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि पूरे पूरे इंडिया में मार्शल लॉ लगेगा, अगर लगेगा तो आंसर है नहीं, ठीक है, किसी एक पार्ट में भी लग सकता है, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, एनी एरिया किसी भी पार्ट में लग सकता है। अब ये कब लगता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में लगता है, जैसे कि कभी वॉर हो गया, इन्वेजन हो गया, रिबेलियन हो गया, रायट्स हो गए, कम्युनल रायट्स,
वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ हो गया, मतलब लोग लॉ नहीं मान रहे हैं, ठीक है, इन केसेस में जो है मार्शल लॉ लग सकता है। अभी मार्शल लॉ क्या पहले से ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो नहीं, ये इंग्लिश लॉ यानी कि अंग्रेजों के लॉ से लिया गया है, ठीक है। तो अंग्रेज जब अपना शासन करते थे तब भी मार्शल लॉ का बहुत उपयोग किया करते थे, आपने देखा होगा जब भी कोई मूवमेंट हुआ तो उसको सप्रेस करने के लिए मार्शल लॉ ही लगाया जाता था, कोई रिवॉल्ट होता था तो मार्शल लॉ ही लगाया जाता था। तो कुल मिलाकर के मार्शल लॉ की ये हिस्ट्री थी और ये थोड़ा बैकग्राउंड है मार्शल लॉ का। उम्मीद आपको समझ में आएगा मार्शल लॉ क्या है। अब चलते हैं आर्टिकल 34 पे वापस। तो आर्टिकल 34 में है क्या? आर्टिकल 34 जो है ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनको बंद किया जा सकता है किसी भी एरिया में जो इंडिया की टेरिटरी में आता है, ठीक है। कब? जब मार्शल लॉ लगा दिया जाए। तो अगर मार्शल लॉ किसी भी एरिया में लग जाता है इंडिया के, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ था तब किसी गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट ने या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर कोई ऐसा काम किया या फिर किसी भी और इंसान ने ऐसा काम किया जो कि बस उसका मकसद ये था काम करने का उसका, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वापस से उस एरिया में सही हो सके जहाँ मार्शल लॉ लगा है, और उसके चलते उसकी उसके थ्रू कोई गुनाह हो जाता है, तो जो पार्लियामेंट है सिर्फ उसी के पास ही पावर है कि वो ऐसे शख्स को माफ़ कर सकती है जिसने ऐसा काम किया हो, ठीक है, ताकि वो जो है रिस्टोर कर सके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को। तो कुल मिलाकर के अगर कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कोई ऐसा काम करता है मार्शल लॉ में जो कि थोड़ा लॉ के विरुद्ध भी जा रहा है, तो भी उसको पार्लियामेंट माफ़ कर सकती है, इंडेमनीफाई कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो माफ़ी का एक्ट है, माफ़ी करने का जो ये प्रक्रिया है जो पार्लियामेंट ने बना रखा है, इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे कि ये फंडामेंटल राइट्स को जो है आपके हनन करता है। कुल मिलाकर के आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, तो मान लीजिए कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर किसी एक एरिया में जो है ख़राब हो गया, वहाँ पे मिलिट्री रूल लगाया गया और वहाँ के किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए किसी एक आदमी को गोली मार दी जो कि थोड़ा आतंकवादी टाइप का लग रहा था, ठीक है। तो अब इस इंसान को गोली मार दी, तो अब पार्लियामेंट क्या कर सकता है ना मार्शल लॉ ख़त्म होने के बाद, वो इस इंसान को जो है जिसको जिसने जिस जिस इंसान ने दूसरे इंसान को गोली मारी है उसको माफ़ी दे सकता है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट के हिसाब से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि जिस इंसान ने गोली मारी है उसने उसके राइट टू लाइफ का हनन किया है, आर्टिकल 21 का हनन किया है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट माफ़ कर सकता है और इसको किसी भी चीज़ पे कोर्ट में कभी भी इसको चैलेंज नहीं किया सकता, कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 34 में हो गया। तो आर्टिकल 34 में ये था। अब इसी के साथ आपको एक चीज़ और मार्शल लॉ में तुमने देख लिया आर्टिकल 34 में है क्या, बेसिकली मार्शल लॉ जब लगता है तो फंडामेंटल राइट काम नहीं करते, ठीक है, ये सब हो गया। अब मार्शल लॉ जब लगेगा तब एक चीज़ आपको ये पता याद रखनी है कि जब भी मार्शल लॉ लगेगा तो मिलिट्री अथॉरिटी जो है उनको खूब ढेर सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती हैं, जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के बैन कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं सिविलियंस को, उनको मौत की सज़ा भी दे सकते हैं। और इस केस में एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है अपने रूल में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या दे रखा है कि किसी भी सूरत में हैबियस कॉर्पस का जो रिट है, हैबियस कॉर्पस का जो फंडामेंटल राइट है टू हैव द बॉडी ऑफ इज़ नॉट सस्पेंडेड। कहने का मतलब है, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है, ये एक टाइप का रिट होता है, रिट जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी इंसान को आप किडनैप नहीं कर सकते, उसको डिटेन नहीं कर सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक वो जो अरेस्ट है, जो डिटेंशन है वो लीगल ना हो, ठीक है। तो किसी एक इंसान की बॉडी को जानने का राइट और किसी एक इंसान की बॉडी को पाने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कुल मिलाकर के किसी एक बॉडी को, किसी एक इंसान को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। अभी हैबियस कॉर्पस आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन जब अगली वीडियो आएगी रिट्स वाली, जिसमें हम लोगों ने 5 रिट्स के बारे में डिस्कस करना है, उसमें आपको पता लग जाएगा हैबियस कॉर्पस है क्या। अभी के लिए ये याद रखिए कि हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं किया जाता मार्शल लॉ के अंडर भी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आता है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कुछ नहीं है, इसमें ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, कुछ लॉस पास करने चाहिए और उन लॉस को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही पास कर सकता है, जिन लॉस को फंडामेंटल राइट को इफेक्ट में लाने के लिए पास किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर पार्लियामेंट जो है लॉस बना सकता है किन किन चीज़ों के लिए, तो जैसे आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, आर्टिकल 23 है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को देखने मिलता है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को और बॉन्डेड लेबर को, इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए राइट्स लाए गए हैं, सॉरी लॉज लाए गए हैं, ताकि इन फंडामेंटल राइट्स को जो है फोर्स में लाया जा सके। जैसे कि आर्टिकल 17 के लिए 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट लाया गया और 1976 में उसको रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाम दे दिया गया। तो ये क्या है, लॉ लाया गया आर्टिकल 17 के लिए ताकि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो चुके।
सिमिलरली इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर के खिलाफ जो एक्ट आए, ठीक है, इन सभी में क्या था, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग के खिलाफ जो एक्ट आया, इन सभी में क्या था, आर्टिकल 23 को इफेक्ट में लाने के लिए, उसके फंडामेंटल राइट को इफेक्ट में लाने के लिए लॉस पास किए गए। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ऐसे लॉस पास कर सकती है। अब कोई भी लॉ किसी भी, एक चीज़ और याद रखिए कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, यानी कि 1950 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, तब से कोई भी लॉ जो पहले से बना हुआ था वो फोर्स में रहेगा, आज तक प्रेजेंट तक रहेगा फोर्स में, जब तक उसको पार्लियामेंट जो है रिपील ना कर दे या उसको ख़त्म ना कर दे, ठीक है। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट आर्टिकल 35 के अंडर कुछ और चीज़ों पर लॉज बना सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट आर्टिकल 16 पर लॉ बना सकती है, आर्टिकल 32 पर लॉ बना सकती है, आर्टिकल 33 पे भी लॉ बना सकती है, आर्टिकल 34 पे भी लॉ बना सकती है। तो अब इनमें भी कौन सी कैटेगरी में लॉ बना सकती है वो देखते हैं। तो पार्लियामेंट जो है किसी, अब आर्टिकल 16 में क्या था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात की गई है ना, कि मतलब सरकारी नौकरी में किन किन को जो है मौका मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सरकारी नौकरी में किन किन को मौका मिलेगा, इस पे एक लॉ बन सकता है ये कि पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस को, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, उसको एज अ कंडीशन, एक शर्त के रूप में इस्तेमाल कर सकती है कि अगर आप इस एरिया के हैं तभी आप इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट ये चीज़ कर सकती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का वैसे तो, जिसमें ये बोला गया है कि जो है पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस यानी कि रहने के क्राइटेरिया को भी बता सकता है कि मान लीजिए कोई इंसान कहीं रहता है और उस एरिया में कोई PSC या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसमें ये शर्त डाली गई कि जो इंसान इस एरिया में रहता है वहीं अप्लाई कर सकता है, तो ये शर्त भी डाली जा सकती है बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके बाकी जितने कोर्ट हैं उनको भी ये पावर दिया जा सकता है कि वो रिट्स, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को इशू कर सकें। आर्टिकल और जो तीसरा आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 33, जिसमें मिलिट्री फोर्सेज को और आर्म्ड फोर्सेज के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है लॉज पास किया जा सकते हैं, जैसे कि हमने भी पीछे देख के आए हैं। आर्टिकल 4 में यह है कि आर्टिकल 34 के अंडर जब मार्शल लॉ लगता है तब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर किसी भी इंसान को जिसने मार्शल लॉ में कोई ऐसा काम किया हो वहाँ, जिसकी वजह से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया हो, तो उस इंसान को माफ़ी दी जा सकती है किसी भी काम के लिए जो उसने की हो, ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो सके, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई ग्राउंड्स पे, जैसे कि इसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं, आपने देखा ही है कि हर एक राइट के लिए लिमिटेशन है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ अप्लाई नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे अप्लाई नहीं होगा, मोरालिटी के बेसिस पे अप्लाई नहीं होगा, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर कोई खतरा है तो अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे करके लिमिटेशंस बहुत हैं। कोई सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि यहाँ पर शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि फॉलो करते करते आपको हालत ख़राब हो सकती है। परमानेंसी नहीं है, सस्पेंड किया जा सकता, क्योंकि इनको सस्पेंड किया जा सकता है कभी भी इमरजेंसी में, ठीक है। इनकी रेमेडी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके वहाँ के खर्चे नहीं उठा सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी चीज़ दी रखी है जो कि इलीगली किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बस सिर्फ शक के बिना पे, तो ये थोड़ी सी इसके लिए क्रिटिसिज्म काफ़ी था। कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है फंडामेंटल राइट को लेकर के, तो ये सब जो है फंडामेंटल राइट क्रिटिसिज्म में आ जाता है। और फिर आखिरी टॉपिक ये है कि फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ पार्ट 3 में ही है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आंसर है नहीं, सिर्फ पार्ट 3 में नहीं है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के, और भी पार्ट्स में हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स में हैं, तो चार जगह है। चार जगह कैसे हैं, देखिए कौन कौन से पार्ट में है। तो पार्ट 12 में आपको देखने मिलेंगे तीन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये देखिए एक फंडामेंटल राइट ये, तो पार्ट 12 में ही तीन फंडामेंटल राइट आपको देखने मिल गए एक्सेप्ट पार्ट 3, ठीक है। तो आर्टिकल 265 में आपको देखने मिलेगा कि ये बोलते हैं कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक उसके लिए लॉ पास ना किया जा रहा हो, तो जब तक लॉ नहीं पास किया गया है किसी टैक्स के लिए तब तक कोई टैक्स लगाया नहीं जा सकता और उसको कलेक्ट भी नहीं किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 265 ऑफ पार्ट 12। मतलब कि मोदी जी जो हैं जब तक कोई लॉ नहीं पास करेंगे तब तक टैक्स को वो कलेक्ट नहीं कर सकते, लिवी नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 300A के अंडर जो कि पार्ट 12 में आता है, कौन सा है, ये राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब तक किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी जो है उसे छीनी नहीं जा सकती, ठीक है, बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब लॉ को पास करके भी किसी भी इंसान का जो प्रॉपर्टी है उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया है पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के। फिर आर्टिकल 3 सॉरी तीसरा फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के बाहर है वो है आर्टिकल 301 में। ये देखिए आर्टिकल 300 के बाद आर्टिकल 301, यानी कि आर्टिकल 301 में पार्ट 12 में ही एक और फंडामेंटल राइट है, क्या, कि ट्रेड यानी कि व्यापार, कॉमर्स और इंटरकोर्स, यानी कि एक स्टेट से जाकर के दूसरे स्टेट में माल भेजना, फिर इस स्टेट से इसमें भेजना, तो इस चीज़ को जो है इंटरकोर्स बोलते हैं, ठीक है ना।
कि मतलब माल की आवाजाही होना, ठीक है। तो जो स्टेट, जितना भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है जिसके अंदर खूब ढेर सारे स्टेट्स आते हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इन स्टेट्स में फ्री इंटर कोर्स ट्रेड होना चाहिए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई ड्यूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए, इसकी बात कही गई है आर्टिकल 301 में पार्ट 12 पे, ठीक है। फिर आर्टिकल 326 भी आता है, ठीक है, जो कि पार्ट 15 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये चीज़ ज़्यादा याद रखिए कि पार्ट 12 में तीन फंडामेंटल राइट थे और एक फंडामेंटल राइट पार्ट 15 में भी आता है जो कि आर्टिकल 326 में है। क्या है वो फंडामेंटल राइट? कि सभी लोगों को जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है भारत के, ठीक है, और उस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करके वो लोग लोकसभा के इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो इलेक्शंस टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आर टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि 18 साल या फिर उसके ऊपर के लोगों को, 18 या फिर 18 प्लस के लोगों को जो है ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो खत्म हो ही गया है हमारा। अब अगली वीडियोज में हम लोग जो है रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एक ही वीडियो आएगी, वो 10 से 15 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं। उसमें हम लोग पूरा पूरा रिट्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।